अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त सलीम बशीर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डॉगर टैक जी। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा कि आप किसी भी तस्वीर का बैकग्राउंड अरेज कैसे कर सकते हैं, इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप बैकग्राउंड का किसी भी तस्वीर का बैकग्राउंड एक क्लिक पे आप अरेज कर हो जाएगा। आपने वहाँ पर क्लिक करना है और आपकी तस्वीर PNG में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि उसका बैकग्राउंड अरेज हो जाएगा। मुकम्मल ट्यूटोरियल दूंगा मोबाइल में। मोबाइल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकान को प्रेस कर लें, क्योंकि हम ऐसी मज़ेदार वीडियो लाते रहते हैं। और मज़ीद जो मेरी वीडियो आ रही है इंशाल्लाह वो फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग पे होंगी। और कुछ नई एप्लीकेशन है, ऐसी एप्लीकेशन है कि जो आपने पहले कभी नहीं सुना, जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। चलते हैं दोस्तों मोबाइल में, और मोबाइल में जाके आप लोगों को बताता हूँ कुछ सेकेंड में आप अपने बैकग्राउंड अपनी तस्वीर का बैकग्राउंड कैसे अरेज कर सकते हैं जी। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं मोबाइल में। मोबाइल में आने से पहले आपने सबसे पहले आपका डाटा कनेक्शन ऑन होना चाहिए, यानी कि आपका नेट का पैकेज लगा होना चाहिए। उसके बाद आपने जाना है गूगल क्रोम में चले जाएँ या गूगल ओपन कर लें, ठीक है। ये मैं गूगल ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने लिखना है रिमूव रिमूव BG, ये आ गया है नीचे रिमूव BG। रिमूव BG को ओपन करेंगे, ठीक है जी। ये फर्स्ट वाला आपने ओपन कर लेना है। कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक हो गया। यहाँ पे आप आ रहा है अपलोड इमेज, अपलोड इमेज पे जाएं। जिस एप्लीकेशन जिस इमेज का आप बैकग्राउंड अरेज करना चाहते हैं उस इमेज को सिलेक्ट करें। मैं करता हूँ मतलब के कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट कर ली, इसको डन कर लें। ये अभी कर रही है, ये देखें अपलोडिंग शुरू हो गई है। इस अपलोडिंग को मुकम्मल होने देते हैं, फिर देखते हैं कैसा रिज़ल्ट निकलता है। ये देखें ओरिजिनल पिक्चर ये है, ओरिजिनल पिक्चर देख लें और जो इसने बना के दिया वो देख लें। ये देख सकते हैं आप दोस्तों किस तरह से, मैं आप दावे से कहता हूँ कि आप लोग मोबाइल अपने हाथ से इस तरह की वीडियो यानी कि बैकग्राउंड अरेजिंग नहीं कर सकते। कंप्यूटर पे मानता हूँ हो जाती है, मगर मोबाइल में बहुत मुश्किल होता है, बहुत बारीकी का काम है बैकग्राउंड अरेजिंग करना, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एडिट करें। अब अगर अगर आपने बैकग्राउंड चेंज करना है इसका, ये देखें यहाँ पे, यहाँ से बैकग्राउंड चेंज करें, ठीक है। ये बैकग्राउंड चेंज हो गया। उसके बाद आपने लुक देनी है कि DSLR लुक देनी है। ये देखें ये ब्लोअर का ऑप्शन मिल जाता है आपको, ठीक है। अगर आप अपनी मर्ज़ी का इसके बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट फ़ोटो पे कर दें। अगर आप कोई कलर वगैरह रखना चाहते हैं तो ये नीचे कलर्स आ जाते हैं, ठीक है। ये देखें ये कैसी लुक दे रहा है। यहाँ से इसको डाउनलोड कर लें, ये डाउनलोड हो रही है जी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना तो मत भूलें और कमेंट करके बताया करें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। आपके कमेंट और लाइक से कुछ पैसे नहीं लगते, मगर हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारा जेन बन जाता है कि हमने नेक्स्ट वीडियो इससे भी अच्छी बनानी है। मुझे दें इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, किसी और न्यू ट्यूटोरियल के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।